बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, शाकिर आज फिर से हाजिर है आप लोगों की खिदमत में दोस्तों, एक नए व्लॉग के साथ। एक अनएक्सपेक्टेड जो है व्लॉग मैंने सोचा थोड़ी ही देर पहले, इरादा तो दोस्तों वो नहीं था, लेकिन एक अच्छी चीज़ साउथ इंडियन डिश जो है मेरे हाथ में लगी है खाने के लिए। और आप लोगों को पता है, अच्छी अच्छी चीज़ खाने के लिए हो और शाकिर भाई वहाँ पर मौजूद ना हो तो फिर व्लॉग का मज़ा ही क्या। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं आया हूँ कौसर माँ मस्जिद के पास में, ये बिल्कुल सामने ही एक साउथ इंडियन डिश जो है बनाई जाती है। मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ में ये शेयर किया जाए। तो चलिए, आज थोड़ा व्लॉग हमारा बहुत ही एक्साइटेड होने वाला है और घर में के बजाय हम लोग आज बाहर व्लॉग बनाएंगे। ये देखिए, माशाल्लाह हमारे पहुंचने के फौरन ही बाद मेंदू वड़े तैयार किए जा रहे हैं दोस्तों। हाँ हाँ, जहाँ पर खाने के पकवान हो, कोई नई होटल हो, कोई नई डिश हो और वहाँ पर शाकिर भाई ना हो तो बात ही क्या और मज़ा ही क्या लाइफ में। माशाल्लाह, ये तैयार होने के बाद हमने सुना इतने क्रिस्पी बनते हैं। इनके यहाँ की ख़ास बात यह है कि थोड़ा यूनिक टेस्ट है, मैंने सुना है। मेंदू वड़े जिस तरह से लगने चाहिए वैसे बाहर अक्सर जो है बनाए नहीं जाते, लेकिन इनका टेस्ट जो है बहुत ही यूनिक है, मैंने सुना है। तो देखते हैं, ट्राई तो ज़रूर करेंगे। ये देखिए कैसा जो है कलर चेंज होते जा रहा है इसका। और मेंदू वड़े हमारे होने के लिए तैयार, खाने के लिए रेडी। देखते जाइए। ये देखिए माशाल्लाह, सांभर सांभर का भी टेस्ट बहुत ही बेहतरीन है सुना है मैंने। यहाँ पर जो है ऑर्डर्स परोसे जा रहे हैं, मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा आपको क्लिप बताया जाए इसका। ये है नारियल की चटनी। बहुत एक्साइटमेंट है। ये देखिए माशाल्लाह, हमारा ऑर्डर आ चुका है। बहुत भूख लगी है दोस्तों। ये देखिए माशाल्लाह, अब सांभर भी हमारा आएगा थोड़ी ही देर में, लगे रहे। आ हा हा, ये भाप देखिए इसकी, माशाल्लाह। आइए आप भी सुबह सुबह बिस्मिल्लाह कीजिए। तो जैसे कि मैंने सुना था, क्रिस्पी है मेंदू वड़ा और खाने में बहुत लजीज लगता है। वाकई में दोस्तों बहुत ही यूनिक टेस्ट है इनका। मेंदू वड़ा बहुत ही क्रिस्पी है और गर्मा गर्म सांभर के साथ। ये देखिए सांभर इनका, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन है। भूख तो इतनी है दोस्तों कि दिल कर रहा है सांभर का कटोरा। सांभर का कटोरा तो पहली बात मुंह को लगाया जाए, दूसरा एनु लग के हिस्से का भी खा लिया जाए। चालू करता हूँ खाने, इसका रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, तो मेरे हिस्से का भी खा जाए। मेंदू वड़ा तो हुआ, इडली का टेस्ट देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, इडली जो है सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, माशाल्लाह। ये देखिए, आइए आप टेस्ट करके देखेंगे। बहुत ही सॉफ्ट है, हाथों में तो सॉफ्ट लग रही है। यह आप तोड़ने के बाद में भी देख सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, अक्सर लोगों को डिप करके खाना पसंद है, लेकिन मुझे अलग जो है सांभर अलग और इडली या मेंदू वड़ा अलग खाना ज़्यादा पसंद है। आप लोग जो है जब ऑर्डर देंगे इमाम भाई को तो उन्हें कह सकते हैं कि डिप करके ना दे, या फिर आप डिप करके भी मंगा सकते हैं।
जी, तो इनका जो है नाम आप देख सकते हैं, इमाम इडली सेंटर। ये यहाँ पर हमारी कौसरबाग मस्जिद है, बिल्कुल यहाँ पर इसी के सामने। आपको सुबह जो है फजर की फौरन नमाज के बाद से ये शुरू होकर, इमाम भाई ने बताया कि 12:30-1 बजे तक ये रहते हैं। और शाही दरबार में ही ये जो है अपना सेंटर लगाते हैं। आप नंबर देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको इडली, चटनी, वड़ा, सांभर, पोहा और चाय ज़रूर मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, नाश्ता भरपेट हो चुका है। 7:30 बज रहे हैं, अब थोड़े तकाजे भी हैं, इसके लिए फ़ौरन हम लोग निकलेंगे पैकअप करके। गुजारिश करना चाहूँगा कि लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा ये छोटा मोटा अनएक्सपेक्टेड ब्लॉग आपको कैसा लगा। और हाँ, ऑर्डर्स के लिए कॉल ज़रूर करें, टाइमिंग भी लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, वीडियो पर पहले बार है आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों से लेना चाहूँगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।